अयोध्या रुदौली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व स्कूल कॉलेजों में धूमधाम से मनाया गया। छात्र छात्राओं ने लीलाओं का मंचन किया। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण वर्मा। बने रहिए हमारे साथ छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अयोध्या रुदौली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व स्कूल कॉलेजों में धूमधाम से मनाया गया। छात्र छात्राओं ने लीलाओं का मंचन किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में हुई शिक्षा क्षेत्र रुदौली के LSDP पब्लिक स्कूल गौरिया मऊ में कार्यक्रम को शुभारंभ प्रधानाचार्य आदित्य प्रकाश पाठक ने दीप जलाकर किया। छात्र छात्राओं ने पौराणिक कथाओं का नाटकीय मंचन भी किया। सीता स्वयंवर, राम भरत मिलन, अंत में रावण के पुतले का दहन हुआ। इसका बच्चों ने जमकर आनंद उठाया। प्रधानाचार्य आदित्य पाठक ने बच्चों को दशहरा का महत्व बताया व भगवान राम के जीवन का प्रकाश डाला। बच्चों ने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में राम लक्ष्मण सीता हनुमान दुर्गा भरत शत्रुघ्न के रूप धारण किया। साथ ही मॉडल बनाओ प्रतियोगिता में अपना हुनर दिखाया। विद्यालय में बच्चों के रामलीला में अब्दुल हनान, भगवान राम, सचिन तिवारी, लक्ष्मण, सौरभ गुप्ता, हनुमान जी, अभिषेक गुप्ता, भरत जी, संगम गुप्ता, विभीषण, विशाल शुक्ला, विश्वामित्र व सुयश अग्रवाल, राजा जनक की शिवांश सिंह जनक जी के मंत्री के प्रधान में अपनी प्रस्तुति दी। बच्चों के मनमोहक प्रस्तुति का सबका मनमोह लिया। सीसीए इंचार्ज कृष्णा तिवारी व कार्यक्रम संयोजक मोहम्मद एहसान बताया कि बच्चों को रामलीला में विद्यालय के वाहन चलानों को भी दायित्व दिए गए हैं, जिसके प्रदीप रावण की भूमिका, गार्ड आदित्य परशुराम जी की भूमिका में वाहन चालक भरत दुबे, मोहम्मद साहब के साथ लखपतिया के भूमिका में रहे नन्हे मुन्नों के रामलीला के मंचन के बाद डांडिया कर अपनी प्रतिभा का दर्शन किया। इस दौरान रंजीत शर्मा, ओमकार उपाध्याय, आदित्य शर्मा, जुपसा ताहिन, तरन्नुम सलोनी सिंह, रीना गुप्ता, सुकन्या शुक्ला, बीके सिंह, प्रभाकर उपाध्याय, मोहम्मद एहसान, अजय वर्मा, संतोष सिंह, कशिश सिंह, अंशिका कौशल सहित अन्य स्टाफ उपस्थित रहे।